दोस्तों आज से दो दिन पहले वीवो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है वीवो V21 5G को इंडियन मार्केट में, और आज के वीडियो में हम लोग कम्पीट करने वाले इसी के आर्च राइवल ओप्पो के ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड एशिया का चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कंपैरिजन की, तो वीवो के V21 5G में आपको मिलने वाला है 6.44 इंच का एक फुल HD प्लस का एमोलेड पैनल, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप गेमिंग या फिर स्क्रॉलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाएगा, और HDR10 प्लस का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा आपका बहुत ही ऑसम होने वाला है। वहीं पे बात करें OPPO F19 Pro Plus 5G की, तो वहां पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस का एक सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटर क्वालिटी का पैनल आपको मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वहीं पे आपको वीवो के शॉर्ट एक्सटेंशन का प्रोटेक्शन जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो ऑलमोस्ट दोनों का स्क्रीन साइज सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे एमोलेड और सुपर एमोलेड का डिफरेंस तो शायद आपको पता होगा, तो वो एडवांटेज आपको यहाँ पे ओप्पो के F19 Pro Plus 5G में मिल जाएगा। हालांकि यहां पे 60 हर्ट्ज है, तो वहां पे आपका एडवांटेज थोड़ा बहुत वीवो के V21 में भी दिख रहा है। तो डिस्प्ले के मामले में ऑलमोस्ट टाई हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पे जल्दी से देखते हैं फ्रंट कैमरा कंपैरिजन और वहां पे कौन सा ब्रांड जो है यहां पे बाजी मारता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे Vivo V21 5G में आपको मिलने वाला है 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद एपर्चर 2.0, यू शेप नॉच के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे फ्रंट में आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर जो है मिल जाएगा। मतलब स्टेबलाइज एक फ्रंट कैमरा वीडियो शूटिंग आप यहाँ पे से कर सकते हो, और यहाँ पे डुअल सॉफ्ट लाइट भी आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे नाइट में भी आप बहुत ही अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर सेल्फी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 44 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको OIS के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है आपको लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यू शेप नॉच मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे कम से कम रेंज के फोन में भी आजकल पंच होल दिख रहे हैं, लेकिन वीवो का कहना ये है कि जो आप OIS यहाँ पे यूज कर रहे हो उसके चक्कर में यहाँ पे पंच होल देना बहुत डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे उन्होंने यू शेप नॉच यूज किया है। वहीं पे बात करें F19 Pro Plus 5G की, तो वहां पे आपको सिंगल 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको मिल रहेगा, वहां पे अपर्चर आपको 2.4 का है, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो और अल्ट्रा नाइट सेल्फी के यहाँ पे फीचर जो है एडिशनल आपको दिए गए हैं, जो कि आपको फ्रंट कैमरा में भी स्टेडी वीडियो लेने में और रात को आपको नाइट सेल्फी लेने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हालांकि मेगापिक्सल के हिसाब से वीवो बहुत आगे है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा साइड बाय साइड रियल टाइम में ये दोनों फोन को पिक्चर लेके सेल्फी से आपको मेरे सोशल मीडिया पे वहां पे देके आपको कंक्लूशन कर दूं कि कौन सा वाला कैमरा सबसे बेटर है। अब जल्दी से यहाँ पे देखते हैं रेयर कैमरा की, तो रेयर कैमरा में आपको वीवो V21 5G में मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जिसमें 64 का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसमें 1.79 का एपर्चर है। यहाँ पे भी आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिख जाती है, तो यहाँ पे भी हार्डवेयर लेवल का स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगा। बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको एपर्चर मिलेगा 2.2 का, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है जिसमें आपको 2.4 का एपर्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6482 का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं पे बात करें F19 Pro Plus 5G की, तो वहां पे आपको 48 का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी है 48 विद एपर्चर 1.7, जिसमें आपको अल्ट्रा स्टेडी प्रो का एक एडवांटेज मिल जाएगा, जिसमें आपको हार्डवेयर लेवल का तो नहीं एटलीस्ट सॉफ्टवेयर लेवल का स्टेबलाइजेशन वीडियो में मिल जाता है। वहीं पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 का मैक्रो और 2 का मोनो कैमरा आपको मिल जाएगा। बात करें कंक्लूशन की, तो यहाँ पे रेयर कैमरा के हिसाब से, मेगापिक्सल के हिसाब से या फिर हार्डवेयर लेवल के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वीवो V21 मेरे ख्याल से थोड़ा आगे है। हालांकि यहाँ पे जो क्रिएटिविटी चाहते हैं वो आप चाहे तो ओप्पो के फोन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AI हाईलाइट वीडियोग्राफी या फिर AI हाईलाइट फोटोज आप ले सकते हो, साथ ही साथ में AI कलर पोर्ट्रेट जैसे ऑसम फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके बारे में मेरे सोशल मीडिया पे आपको और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगा, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में दोनों फोन में ही सेम प्रोसेसर यूज किया गया, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U को यहां पे यूज किया गया है, जो कि बेसिकली यहां पे 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और बात करें जीपीयू की, तो मालिक के G57 MC3 का जीपीयू आपको यहां पे मिल जाएगा, जो कि डिसेंट गेमिंग और मल्टीटास्किंग पे हैंडल कर सकते हैं। यहां पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बैटरी बैकअप थैंक्स टू दिस प्रोसेसर इज वेरी गुड, 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर है, तो पावर एफिशिएंसी और एनर्जी
एनर्जी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये एडवांटेज आपको दोनों ही फोन में मिलेगा। तो इस हिसाब से दोनों फोन का एडवांटेज यहाँ पे टाई है। देखते हैं जल्दी से यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स जो है रैम और रोम की, उसमें कोई एडवांटेज ले पाता है कि नहीं पाता है, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है और थोड़ा ईजी हो जाए। और दोस्तों बात करें यहाँ पे रैम और रोम की, तो Vivo V21 5G में आपको मिलने वाला है 8GB का LPDDR4X का रैम, जिसमें आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगा 128GB का UFS 2.2 का टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ये मेमोरी बना हुआ है, तो काफी ज्यादा फास्ट होगा। 1TB का एक्सपेंडेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, मतलब अगर आप दो सिम कार्ड लगाओगे तो आप एक्सपेंडेबल ऑप्शन नहीं लगा सकते, या फिर आप एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा सकते हो अप टू 1TB का। वहीं पे बात करें OPPO के F19 Pro Plus 5G की, तो वहां पे भी आपको 8GB का LPDDR4X का रैम मिलेगा, 128GB का इंटरनल यहां पे भी मिलेगा, UFS 2.1 है, तो एक स्टेप पीछे आपको यहां पे स्टोरेज जो है वो मिलने वाला है, हालांकि आपको डिफरेंस नॉर्मल यूज में नहीं समझ में आएगा। और 256GB का आपको एक्सपेंडेबल ऑप्शन मिलेगा विद ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब आप यहां पे दो सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हो। तो एडवांटेज की बात करें तो दोनों में रैम और इंटरनल सेम है, यहां पे आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ओप्पो के फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जो कि वीवो में मिसिंग है। अब जल्दी यहां पे देखते हैं बैटरी की कंपैरिजन, कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा तेज है। यहाँ पे बैटरी की बात करें Vivo V21 5G की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000mAh का बैटरी, सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, बात करेंगे इसके बारे में आखिर में, लेकिन यहाँ पे आपको लिथियम आयन का टेक्नोलॉजी मिल रहा है विद 33W फ्लैश चार्जिंग, जो Vivo यूज करते हैं अपने सारे के सारे हाई एंड फोन्स में, जो कि फोन को 63% चार्ज कर देता है 30 मिनट्स के अंदर। वहीं पे बात करें OPPO F19 Pro Plus 5G की, 4310mAh की बैटरी है, तो 310mAh एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगा, ली पॉलीमर का टेक्नोलॉजी है, 50W का फ्लैश चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि 45 मिनट्स में फोन को 100% चार्ज कर देता है। और यहाँ पे मजेदार बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको 65W का चार्जर जो है वो मिल जाएगा, तो अगर आपके घर में OPPO Reno 4 Pro या फिर 5 Pro ऐसा कोई फोन है जो कि 65W को सपोर्ट करता है, तो इस चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। अब जल्दी यहाँ पे देखते हैं कौन से रीजन की वजह से आपको Vivo V21 5G या फिर OPPO F19 Pro Plus 5G को लेना चाहिए, यानी इन शॉर्ट दोनों फोन के एडवांटेजेस हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो Vivo V21 5G में आपको मिलने वाला है 44MP का OIS का सेल्फी कैमरा, जो कि सेल्फी लवर्स के लिए एक हेवनली एक्सपीरियंस देने वाला है। वही बात करें लेटेस्ट डायमेंसिटी 800U का आपको प्रोसेसर 5G वाला मिल जाएगा, तो 5G के लिए भी आपको फ्यूचर में फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो गेमर्स के लिए ये भी एक एडवांटेज यहाँ पे होने वाला है। और बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो 64MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो एक कैमरा अच्छा यहाँ पे भी आपको रेयर साइड में मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे OPPO F19 Pro Plus 5G की, तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है 50W का फ्लैश चार्ज का सपोर्ट, जो बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स 65W का चार्जर्स के साथ आ रहा है, साथ ही साथ में लेटेस्ट डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। बैटरी की बात करें तो 4310mAh की बैटरी है, जो कि वीवो से 310mAh एक्स्ट्रा है, तो ये भी एक एडवांटेज है। जो यहाँ पे डिस्प्ले यूज किया गया है वो है पंचोल के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि और ज्यादा कलर रिप्रोड्यूस करता है एमोलेड के कंपैरिजन में। तो वीवो में जहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है बहुत सारे यूजर्स के लिए। अब यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कौन से रीजन की वजह से आपको फोन को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वीवो के V21 की, तो वीवो के V21 में यहाँ पे 5G का प्रोसेसर है, जैसे मैंने हर फोन में बताया कि 5G इंडिया में नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर के आखिर तक आएगा, तो 5G के लिए एक्स्ट्रा हम लोगों को पेमेंट देना पड़ रहा है, जो कि के लिए अभी है ही नहीं, तो ये एक ड्रॉबैक जो है दोनों फोन का आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ में Vivo के V21 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आप दो सिम लगाओगे तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा अपने डिसीजन को कन्फर्म करने से पहले। अब यहाँ पे 4000mAh का बैटरी है, जो कि काफी कम है सुनने में आ रहा है। आज अगर बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो 7000mAh का भी बैटरी दे रहे हैं, वहां पे Vivo 4000 क्यों दे रहा है, जस्ट बिकॉज उनको कम से कम टाइम में आपके फोन को चार्ज करना है, वो दिखाना है। अब यहाँ पे एडवांटेज के साथ और एक चीज है, यहाँ पे आपको 33W का सिर्फ चार्जर मिल रहा है, तो ये भी काफी कम है यहाँ पे कंपेयर करें बाकी ब्रांड की, तो बहुत सारे ब्रांड में 65W या फिर 50W का चार्जर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ पे OPPO F19 Pro Plus 5G के ड्रॉबैक्स की, तो वहां पे भी सेम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5G नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ रहा है, लेकिन आप उस फीचर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये एक ड्रॉबैक है। ओनली 60Hz का रिफ्रेश रेट है, तो इस रेंज में मतलब 25990 जो प्राइस यहाँ पे अभी फिलहाल चल रहा है, तो वहां के लिए यहाँ पे 60Hz काफी ज्यादा ड्रॉबैक हो सकता है इस फोन का। साथ ही साथ में ओनली 16MP का फ्रंट कैमरा है, हालांकि इसी रेंज में बहुत सारे ब्रांड जैसे कि OnePlus के फोन में भी आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिख जाएगा, तो काफी डिसेंट कैमरा तो है, लेकिन यहाँ पे 44 के मुकाबले ये कम है। और यहाँ पे आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि सुनने में काफी कम लग रहा है, तो यहाँ पे ये भी एक
ड्रॉबैक हो सकता है। हालांकि यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि वीवो में आपको नहीं मिलने वाला है, और फोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया गया है। तो अब जल्दी से यहाँ पर कंक्लूशन करेंगे, तो दोनों ही फोन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत कुछ दे रहे हैं। आपको यहाँ पे 25990 में आपको OPPO F19 Pro Plus मिल रहा है, वहीं से 4000 एक्स्ट्रा आपको खर्च करने के बाद आपको 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद OIS और 64 का रियर कैमरा विद OIS आपको मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग और बैटरी यहाँ पे कम हो जाएंगे, प्रोसेसर और रैम रोम तो दोनों का सेम है। तो आपको अभी वाइजली डिसीजन लेना है, आपको 4000 एक्स्ट्रा खर्चा करना है कि नहीं करना है ये आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि दोनों फोन में आप कौन सा लेना पसंद करोगे और क्यों लेना पसंद करोगे, और ऑलरेडी अगर आपके पास फोन है तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करूंगा ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के मेंबर के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ में स्क्रीन के ऊपर किसी ऑसम वीडियो को देखना मत भूलिए। मैं मिलता हूं उस वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।